नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी में। साथियों, मैं आपके बीच हरियाणा ड्राइविंग स्कूल संचालक राजकुमार। आज की जानकारी सारे ड्राइवर भाइयों के लिए, समझे, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। जितने भी ड्राइवर भाई हैं, चाहे वो ट्रक चला रहा है, चाहे कार चला रहा है, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट्स है, उन सब के लिए दोस्तों जानकारी क्या है। ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो उनके दिमाग में केवल एक चीज आ जाती है कि बस मैं और मेरी गाड़ी और कोई नहीं है। साथियों, ये गलत है। हर लोग ये सोचते हैं, ड्राइवर भाई हैं, कि मेरी गाड़ी, मैं और मेरा रोड। मन मर्जी से ड्राइविंग करते हैं, ऐसा नहीं करना। आपके आगे गाड़ी जा रही है, उनका भी इतना ही अधिकार है इस सड़क पे। आपके पीछे से जितनी गाड़ी आ रही है, उनका भी अधिकार है इसी सड़क पे चलने का। उनके लिए भी ये सड़क बनी हुई है जिस पे आप ड्राइविंग कर रहे हो। कल मैं किसी काम से, थोड़ा इमरजेंसी था, स्पीड में था मैं, तो मैं अपनी कार लेके जा रहा था। आगे का जो मैंने देखा माहौल, एक ट्रक ओवरलोडेड था, उससे दूसरा ट्रक ओवरलोड था, वो भी उससे साइड ले रहा था। और दोस्तों, करीब 1.5-2 किलोमीटर बीत गए, दोनों ड्राइवरों ने अपने ट्रक की स्पीड कम नहीं की, बराबर बराबर चलते रहे। यहां मैं आपको बता देना चाहूंगा, जब एक ट्रक जा रहा है आगे और दूसरा ट्रक उससे ओवरटेकिंग करने की सोचता है, तो उस ट्रक ने अपनी स्पीड कम कर लेनी चाहिए। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक की स्पीड कम कर लेनी चाहिए और जो ओवरटेक कर रहा है उसने स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन साथियों, यहां उल्टा है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ट्रक चला रहा हूं, मेरे से ओवरटेकिंग करने वाला दूसरा ट्रक क्यों है? दोनों बराबर बराबर आ जाते हैं। अगले वाले के दिमाग में तो ये बात आ जाती है कि ये भी तो ट्रक ही लेके आ रहा है, मेरे से आगे कैसे जा सकता है ये भी अपनी स्पीड बढ़ा देता है। और वो ओवरटेकिंग करने की सोच ही रहा था। दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ड्राइविंग नहीं करनी है। हो सकता है आपके घर से कोई इमरजेंसी केस हो पीछे पीछे, हो सकता है कोई एम्बुलेंस हो, उसका सायरन नहीं बज रहा हो, कोई फायर ब्रिगेड हो, कोई इमरजेंसी में पुलिस की गाड़ी जा रही हो, या किसी को और इमरजेंसी काम हो जो आपसे ओवरटेकिंग करने की कोशिश कर रहा हो और आप उसको ओवरटेकिंग नहीं करने दे रहे। आपने दोनों ट्रक देख लिए जी, ये दोनों ट्रक बराबर चल रहे हैं। मैं जा रहा था कहीं, मुझे भी इमरजेंसी थी, लेकिन मुझे साइड नहीं मिली। काफी देर हॉर्न बजाने के बाद जो ओवरटेकिंग कर रहा था, उसी ट्रक वाले ने अपने ट्रक की स्पीड कम की, क्योंकि वो ओवरटेक उस ट्रक से कर नहीं पाया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना का सामना हमने करना पड़ा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि अपने वाहन को अपनी साइड में चलाएं, और जो कोई भी वाहन ओवरटेकिंग कर रहा हो, चाहे वो आपके बराबर का है, चाहे आपसे छोटा वाहन है, जो भी आपकी गाड़ी से ओवरटेकिंग कर रही हो दूसरी गाड़ी, तो आपने अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेनी है, जिससे कि वो गाड़ी इमरजेंसी वाली तुरंत आगे निकल जाए। आप इस तरह ड्राइविंग करोगे तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूं, समय का भी सदुपयोग होगा, समय बचेगा और साथ साथ सड़क हादसों में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। दोस्तों, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, आप भी करें, हम भी करेंगे, सारे ड्राइवर भाई करेंगे। ड्राइविंग करते समय
यदि आपने ट्रैफिक के नियमों का पालन किया तो समय के साथ साथ एक्सीडेंट भी नहीं होंगे और आप अपनी मंजिल पे समय से पहले पहुंच जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।